नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर के। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोशिका क्या होती है और इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिससे कि एक ह्यूमन बॉडी कंट्रोल होती है। दोस्तों सेल का टेक्निकल नेम साइटो होता है और इसका अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों सेल से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। सबसे पहले सेल का निर्माण हुआ दोस्तों, उसके बाद में बहुत सारी सेल ने मिलकर टिश्यू को बनाया, टिश्यू से फिर अंग बने और अंग से पूरी बॉडी का निर्माण हुआ। दोस्तों किसी भी नई सेल का निर्माण पूर्व में उपस्थित सेल में डिवीजन की वजह से होता है, अर्थात एक सेल अपने अंदर से विभाजन कर दूसरी नई सेल को बना देती है। इस तरह नई सेल का बनना और पुरानी सेल का नष्ट होना लगा रहता है। दोस्तों अगर हम कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों की बात करें तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है। किंतु दोस्तों प्लांट के अंदर एक बाहरी आवरण और प्रेजेंट रहता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन उस O2 को लेकर सेल में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में O2 एक साइकिल चलाता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इससे दोस्तों 38 ATP बनते हैं जिससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और यह ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। अगर हम दूसरे कोशिकांग की बात करें तो दोस्तों यह है गोल्जी बॉडी। दोस्तों जब हम जानते हैं कि बॉडी के हर अंग में सेल प्रेजेंट रहती है और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। दोस्तों शरीर के हर अंग में समान ऊर्जा बनती है, किंतु अगर कोई अंग ज्यादा काम करता है तो उस अंग में ऊर्जा की कमी आ जाएगी, तो दूसरे अंग से ऊर्जा को लेकर उस कम ऊर्जा वाले अंग में ले जाने का कार्य गोल्जी बॉडी करता है, अर्थात ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य गोल्जी बॉडी करता है। अब अगर हम वैक्यूल जिसे रसदानी कहते हैं उसकी बात करें तो दोस्तों हमारे शरीर में 65% वाटर है और यह पानी रसदानी में रहता है, अर्थात जल संग्रह का कार्य रसदानी करती है। अगला कोशिकांग है दोस्तों सेंट्रोसोम। दोस्तों यह कोशिका विभाजन अर्थात कोशिका पुनर्निर्माण का कार्य करता है। यह पुनर्निर्माण का कार्य सबसे ज़्यादा लीवर में होता है, इसलिए लीवर को काट देने पर भी वह पुनर्निर्माण की क्षमता रखता है। किंतु ब्रेन में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, अर्थात ब्रेन के न्यूरॉन का पुनर्निर्माण नहीं होता। दोस्तों अगर यह सेल डिवीजन बॉडी के किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे कैंसर होता है। दोस्तों अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि ब्रेन में न्यूरॉन के अंदर अगर पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे होता है। तो दोस्तों ब्रेन के अंदर 90% न्यूरॉन अविभाजित होते हैं जिसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, किंतु 10% ग्लियल सेल पाई जाती है जिसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है और इसी से विभाजित होता है तथा ब्रेन कैंसर का कारण बनता है। दोस्तों अगला कोशिकांग है अंतःप्रत्यय जालिका। दोस्तों यह सेल के अंदर आंतरिक कंकाल का कार्य करती है। जिस तरह बॉडी को स्केलेटल सिस्टम का ढांचा प्रदान करता है वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को आंतरिक सहायता देता है। यह दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER दोस्तों सेल के अंदर वसा का निर्माण करती है, जबकि RER खुरदरी होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम को सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर दो टाइप में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोट में और 80S यूकैरियोट में पाया जाता है। दोस्तों अगला कोशिकांग है न्यूक्लियोलस केंद्रक। दोस्तों इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन, 10% DNA और बाकी 10% में अन्य कोशिकांग आते हैं। अगर दोस्तों लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को सेल की आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इससे जल अपघटन एंजाइम मुक्त होता है जो कोशिका में उपस्थित अंगों को जो काम करना बंद कर देते हैं उन्हें डाइजेस्ट का काम करता है। दोस्तों यह डेड सेल के पाचन का कार्य करता है। RBC में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, अतः RBC का डाइजेशन स्प्लीन में होता है। अगला कोशिकांग है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसकी अनुपस्थिति होने पर सेल में उपस्थित सभी पदार्थ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ER, बाकी सभी आपस में टकराएंगे तथा फट जाएंगे जिससे सेल की डेथ हो जाएगी। यह एक तरीके से इन सभी यौगिकों को अलग अलग खंड में व्यवस्थित रखता है ताकि ये यौगिक आपस में टकराए नहीं। यह दो प्रकार का होता है, अगर यह केंद्रक के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म और अगर कोशिका में है तो साइटोप्लाज्म कहलाता है।
दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में सेल को समझाने की कोशिश की है, किंतु सेल इतना बड़ा टॉपिक है कि सभी अंगों को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।